नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय होता, आप देख रहे हैं चिन्मय जून। दोस्तों, आज मैं आपको एक ग्यास्टो या ग्लास्टो फोर बर्नर का ग्लास्टो, यही है फोर बर्नर का ग्लास्टो, ये सनफ्लेम का ग्लास्टो है, ये ठीक से फ्लेम नहीं आ रहा है, इसको हम कैसे साफ करेंगे उसी के बारे में ये वीडियो है। दोस्तों, ये है फोर बर्नर गैस स्टोव या ग्लास स्टोव, ये एक अलग प्रकार का गैस स्टोव है। हम क्या जो पहले देखते थे कि ये गैस कक से मिक्सिंग ट्यूब को फिटिंग होता था, लेकिन ये वाला जो स्टोव है ये कॉपर पाइप से मिक्सिंग ट्यूब को कनेक्शन हुआ है, इसमें गैस आता है। ये एक दो तीन चार, चार नोजल वाला और ये कॉपर पाइप लगा हुआ है, यहाँ पे जेट लगा हुआ है। हम ये सभी को खोल के हम कैसे रिपेयर करेंगे आज मैं आपको पूरा डिटेल दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हमने अभी ये सब कपर वेयर, सब कपर पाइप हमने निकाल दिया है। ये देखिए, ये कपर पाइप में ये निपुल लगता है, निपुल या जेट, इसको भी हम साफ करेंगे। ये सब हमने निकाल दिया। दोस्तों, हमने पूरा कंप्लीट स्टोव को पूरा स्पेयर निकल दिया हूं, अभी हम इसको साफ करेंगे। ये सब गैस कक है। ये देखिए, हमारा पुराना वाले जो स्टोव आते थे, ये है कॉपर पाइप वाला नोजल है, ठीक है। हम टोटली इसको साफ करेंगे कैसे, मैं पूरा कंप्लीट आपको आज दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको प्रॉपर वीडियो मैं दूंगा, ठीक है दोस्तों। अभी हम ये जो आप देख रहे हैं, ये गैस कक, अभी हम उसको साफ करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक स्क्रू है, इसको स्पिंडल स्क्रू बोलते हैं, इसको हम निकल दिया हूं। इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ है, दोस्तों इसी को कहते हैं होल्डर, गैस कक होल्डर, ये गैस कक के अंदर लगता है। हम अभी उसको साफ करेंगे। देखिए, यहाँ पे दो होल है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, इसको हम साफ करेंगे। देखिए, ये पेट्रोल है, हम थोड़ा पेट्रोल यहाँ पे डाला हुआ है, आप पेट्रोल से भी साफ कर पाएंगे और मिट्टी के तेल से भी आप साफ कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, हम अभी कैसे उसको साफ करते हैं। तो हम सब ये स्पेंडल स्क्रू और होल्डर, ये सबको हम पेट्रोल में डुबा दिया हूं। देखिए, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम साफ करेंगे, ऐसे हम साफ करेंगे। इसको जो दो होल है, इसको हम ब्रश से साफ करेंगे। जितना मैला है वो सब निकल गया है, ठीक है दोस्तों। जैसे हमने इसको साफ किया, ऐसे ही एक दो तीन,
ये तिन्नी को भी हम ऐसे ही साफ करेंगे, ठीक है। देखिए अभी हम ये सबको अच्छे तरह से हम उसको साफ कर देंगे, और इससे जो गीला हुआ है पेट्रोल से इसको हम सुखा देंगे, ठीक है। अभी हम यह है क्लोज वायर है, इससे जो तार है एक तार से हम देखिए ये जो होल है यहाँ पे हम उसको डालेंगे, अगर कुछ मैला अंदर है तो ये पूरा साफ कर देगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ये पूरा साफ हो गया है, इसको कहते हैं ग्रीस। हम इसी में ग्रीस को देंगे, ये ग्रीस बहुत जरूरी है। अगर आप ग्रीस नहीं देंगे तो आपका गैस यहां से लीकेज करेगा। ऐसे ही देखिए हम अंदर का ये जो होल्ड गैस का अंदर का हमने साफ कर दिया, ऐसे ही हम उसमें पैकिंग देंगे ग्रीस का। ये अगर ग्रीस नहीं लगाएंगे तो ये पूरा आग पकड़ देगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ध्यान से इसको याद करके यहाँ पे ग्रीस डालना है, नहीं तो आग पकड़ लेगा, ठीक है। इसको हम ऐसे यहाँ पे लगा दिया, ये स्प्रिंग है, ये स्पेंडल है, अभी हम ये स्क्रू लगा देंगे, देखिए ये पूरा जाम हो गया था, अभी ये पूरा फ्रीली मूव कर रहा है। ऐसे ही ये जैसे हमने अभी साफ किया ऐसे बाकी तीन को भी हम ऐसे ही साफ करेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी हम क्या करेंगे, देखिए ये जो जेट है ऐसे अगर कुछ मैला होगा तो इसे साफ हो जाएगा, चारों कॉपर पाइप को हम साफ करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये पूरा साफ हो गया है। उसको क्या करेंगे, हम पंप से हो या फिर ऐसे फूंक देने से अगर कुछ मैला होगा यहां से भी निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये चारों अभी साफ हो गया है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये पैकिंग देंगे। अगर पैकिंग नहीं दोगे तो आपका यहाँ भी गैस लीक करेगा, पूरा आग पकड़ लेगा, इसलिए आपको पैकिंग देना बहुत जरूरी है। ये पूरा हमने पैकिंग दे दिया, अभी हम एक एक करके ये सब कॉपर पाइप लगाएंगे।
ऐसे हम बाकी चार भी लगाएंगे। ठीक है दोस्त, ने ये एक दो तीन चार सब कपर पाइप को लगा दिया, जेड साफ कर दिया, ये पूरा कंप्लीट साफ हो गया है। अभी हम उसको फिटिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने ये पूरा अभी फुल फिटिंग कर दिया हूं। आपने देखा कि कैसे फोर बर्नर और कपर पाइप को साफ करते हैं, ये आप घर में भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लगा दीजिए सब में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।